आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक जारी है। इस दौरान पितरों को जल देने, पितरों का तर्पण करने का विधान बताया गया है। बैनगंगा घाट पुण्य सलिला, बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट पर पितरों के तर्पण का कार्य चल रहा है। इसी के साथ यहां गीता पाठ भी कराया जा रहा है। तिथि, जब भी पितरों की तिथि होती है, विधान के अनुसार, जैसा ज्योतिषाचार्य बताते हैं, विधान के अनुसार गीता पाठ कराना बहुत शुभ होता है। इससे पितरों का आशीष आपको मिलता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृ तर्पण करने से पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है कि वह एवं उसका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। मनुष्य को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देवता के साथ साथ अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए। ये बात भी शास्त्रों में कहीं ना कहीं उल्लेखित है। यहाँ आप देख सकते हैं गीता पाठ यहाँ ब्राह्मण कर रहे हैं। सिवनी का एक बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर संस्कृत विद्यालय, यहाँ आचार्यों को, कुशल आचार्यों के द्वारा विधि विधान किस तरह से कराया जाता है, किस तरह से धार्मिक विधि विधान के तहत, रीति रिवाज के तहत शास्त्र सम्मत पूजन पाठ कराया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है। और ये इतने सारे आपको यहाँ ब्राह्मण दिखाई दे रहे होंगे, निश्चित तौर पर ये उसी का प्रतिफल है सिवनी में, जिस तरह संस्कृत विद्यालय और विधि विधान से पूजन अर्चन का सिखाया जा रहा है, पूजन अर्चन को सिखाया जा रहा है, उसका ही ये प्रतिसाद है कि यहाँ पर छोटे छोटे ब्राह्मण देव भी आपको दिखाई दे जाएंगे, जो इन चीज़ों की बारीकियों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गीता पाठ किस तरह से होता है, जब भी पितरों की तिथि होती है उस तिथि पर गीता पाठ कराने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, इस तरीके की मान्यता है। यहाँ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गीता पाठ किस तरह से हो रहा है। और वास्तव में बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर एक सुखद अनुभूति होती है, आत्मिक शांति मिलती है। आइए हम आपको सुनाते हैं गीता पाठ किस तरह से यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। Yeah.
जयकार।